सुबह का मरना 24 नवंबर 2020 अपने सर्वोत्तम को नष्ट न करें। ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया एक भक्त स्त्री थी, अपनी प्रजा की कुशलता का ध्यान रखती थी। वह अक्सर साधारण लोगों के वस्त्र पहनकर सड़कों पर चलती थी। एक दिन जब वह चल रही थी तो वर्षा होने लगी। उसने पासी से एक सदे परिवार का द्वार खटखटाया और उनसे एक छतरी उधार मांगी। द्वार खोलने वाली स्त्री ने कहा कि उनके पास केवल 2 छतरियाँ थीं, वे अपनी पुरानी छतरी दे सकती है। रानी विक्टोरिया ने उनकी बात मानकर पुरानी टूटी छतरी ले ली। राजमहल पहुंचने के बाद उसने एक दासी को बेचकर उसके हाथ से छतरी भिजवा दी और जय कहला भेजा कि रानी विक्टोरिया उस छतरी के लिए उसे धन्यवाद देती है। वह स्त्री वो चक्की रह गई जब उसे पता चला कि रानी उसके घर पर आई थी और उसने उन्हें अच्छी छतरी नहीं दी। रानी के लिए सर्वोत्तम वस्तु नहीं दे सकने के कारण वह अत्यंत दुखी थी। जब बैतनिया की मरियम ने उत्तम इत्र को यीशु के पैरों के ऊपर उंडेल कर उसे दिया तब सबने सोचा कि उसे व्यर्थ नष्ट किया। यूदा इसका ज्योति भी विशेष रूप से क्रोधित हुआ, क्योंकि वह पैसा कंगालों को दिया जा सकता था, परंतु यीशु ने उसी दूसरी रीति से सोचा। यीशु के लिए आप प्रेम के साथ जो कुछ भी करते हैं वह नष्ट नहीं परंतु अनंत निवेश है। पिता ने अपने सर्वोत्तम यीशु को दिया, यीशु ने अपने सर्वोत्तम अपने जीवन को दिया, क्यों ना हम भी अपने सर्वोत्तम को यीशु को दे दें। यूदा इसकर ज्योति का विचार था कि मरियम ने जो कुछ किया वह व्यर्थ नष्ट था, परंतु उसके जीवन को देखें, उसने अपने जीवन को भी नष्ट कर दिया। वह अभी भी अधिलोक में अपने जीवन को नष्ट कर रहा है और सारी नित्यता तक भी उसे नष्ट करेगा। प्रिय मित्र, अपने सर्वोत्तम अपना समय योग्यता धन सब यीशु को दे दो। एक ही जीवन है, जल्दी वह बीत जाएगा। केवल जो मसीह के लिए किया वह बना रहेगा। उसकी इच्छा करने का एक ही अवसर है, इसलिए अपने सारे दिन यीशु को दे दें। यही एक जीवन है जो मूल्यवान है, क्योंकि आपके पास केवल एक ही जीवन है। सुबह का मना। गॉड ब्लेस यू।